से आपस के पॉपुलर शो इश्कबाज में कल का एपिसोड जो था काफी ज्यादा हंसी खुशी और रोमांस से भरा, तो उसी एपिसोड में एक मोमेंट ऐसा था जब सबकी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। जी हाँ, और वो मोमेंट था तब का जब अनिका आती है लौट कर गौरी को लेकर और पिंकी कहने लगती है अनिका को कि अनिका उसकी बहू है या फिर खोटा सिक्का है जो हर बार उसके पास वापस आ जाती है। और अनिका भी हर बार की तरह इस बार चुप न रहकर पिंकी को भी सुना डालती है कि ये बात करके अनिका का और टाइम वेस्ट पिंकी ना ही करे। जो बात सुनकर पिंकी पहले तो शॉक रह जाती है, लेकिन उसके बाद पिंकी एक बार फिर से अपने उसी राग पर लौट आती है और अनिका को धमकाने लगती है कि अनिका के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लेकिन हमारी अनिका मैडम यहाँ भी पिंकी को चुप करा देती है कि अनिका अच्छे से जानती है कि अनिका के पास 2 दिन कुछ घंटे ही बचे हैं, और ऐसे बार बार बोलकर पिंकी अनिका का ना टाइम वेस्ट करे और ना ही अपना, क्योंकि ये बचे हुए दिन अनिका अपनी मर्जी से जीना चाहती है और खुशी खुशी जीना चाहती है। अब जाहिर है कि इस तरह 2 दिन बचे होने की बात करके बेशक अनिका ने पिंकी के दिल में ये बात डाल दी हो कि अनिका घर छोड़कर और साथ ही शिवाय को छोड़कर जाने वाली है, लेकिन अब इसके बावजूद आप शो में देखेंगे कि कैसे खुद पिंकी अभी सोच में डूब जाएगी कि आखिर अनिका का ऐसा बदला तेवर होने से क्या मतलब था। और इसके साथ ही पिंकी भी अब खुद सतर्क मोड पर आ जाएगी, क्योंकि अब पिंकी किसी भी हाल में अपना प्लान पूरा करना चाहती है। लेकिन अब इन 2 दिनों में कैसे पिंकी की ओ माई माता कदम कदम पर करती है ये अनिका, ये देखना होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जहां आपको मिलेगी इस ट्रैक से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट।